FIR खेलना बंद करिए। एब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर भी हम कार्रवाई कराएंगे। अभी हम चुनाव देख रहे हैं, चुनाव बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी पब्लिक के आपत्ति के स्वयं पुलिस FIR करा रही है। इस तरह से स्मृति ईरानी जी ने 5 साल अमेठी वालों का अपमान किया, अमेठी का अपमान किया, अमेठी के लोगों को धमकाया, मुकदमे दर्ज कराए। अब चुनाव आ गया तो और स्पीड बढ़ गई है, अभी पीछे मुकदमे कराए। कल फिर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी हमारे मेहमान के तौर पर अमेठी आए थे। अगर उन्होंने कुछ साथियों से मुलाकात की और बिना किसी पार्टी का नाम लिए, बिना किसी जोर दबाव के अगर शपथ कराई तो उनके ऊपर भी FIR करा दी गई। एक साथी हैं भरत राज सिंह, जिनके ऊपर पहले FIR हुई थी, उसमें उनको शामिल कर लिया गया। भरत अवधेश सिंह जी को शामिल किया गया, जो अधिवक्ता भी हैं। तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी के इशारे पर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, अमेठी के निवासियों पर और हमारे बाहर से आए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जी के ऊपर जो FIR हुआ है, इससे और नुकसान होगा स्मृति ईरानी जी। FIR खेलना बंद करिए। सिर्फ आप और आपकी सत्ता नहीं है, इसके ऊपर भी चीजें हैं। आज ही कोर्ट ने शासन के बड़े अधिकारियों पर फर्जी मुकदमा लिखने के लिए जुर्माना किया है। एब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर भी हम कार्रवाई कराएंगे। अभी हम चुनाव देख रहे हैं, चुनाव के बाद इन जिन लोगों ने या जिस तरह के लोग कानून का दुरुपयोग करेंगे, उनके खिलाफ हम न्यायालय जाएंगे, विधानमंडल की, विधानसभा की, परिषद की कमेटियों में जाएंगे, उनके खिलाफ धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और इसी अमेठी में एक बड़ी रैली कर चेतावनी देंगे। अभी आगे के फेज के चुनाव बचे हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी और FIR खेलने वाले अधिकारियों से भी, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी पब्लिक के आपत्ति के स्वयं पुलिस FIR करा रही है। इसके पहले स्मृति ईरानी जी ने कितने प्रलोभन दिए लोगों को, कितने लोगों से शपथ दिलाई, संस्कार के विरुद्ध दुर्दुरिया चबाते हुए कसम दिलाई, तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी इस FIR के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी। चुनाव में भाजपा हारेगी, चुनाव के बाद इसी अमेठी में आंदोलन करके पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को हम संदेश देंगे।